मैं जगदम्बा त्रिपाठी, डायट पुखराया, कानपुर देहात। आज हम लोग 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से चार आवश्यक चीज़ें हमें पढ़नी है, जिसमें कारण, स्वरूप, भारतीयों की असफलता के कारण और परिणाम प्रमुख हैं। कारणों में मुख्य रूप से चार कारण हैं: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण और सैनिक कारण। राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी की नीति, गवर्नर जनरल जनरल लॉर्ड डलहौजी जो है कि नीति अतिशय साम्राज्यवादी थी। अतिशय साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए वह बहुत आक्रामक नीति पालन कर रहा था। इस नीति के तहत काफ़ी राजाओं के साम्राज्य को हड़प लिया गया, जैसे कुशासन के आरोप के तहत अवध का विलय कर लिया गया। व्यापकत के सिद्धांत के तहत उन्होंने कई राज्यों को हड़प लिया। व्यापकत का सिद्धांत ये होता है कि जिसमें इनाम कमीशन का गठन और 35,000 जागीरों की जांच की गई, जिसमें से 21,000 को हड़प लिया गया। लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति के तहत ही 21,000 जागीरों को हड़प लिया। दूसरा, राजनीतिक कारणों में दूसरा प्रमुख था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने कई बार अपमानित किया, जिससे मुगल सेना में असंतोष बढ़ा। तीसरा प्रमुख कारण है सूरत, तंजौर एवं कर्नाटक के नवाब की उपाधियां छीन लेना। एक नीति के तहत गवर्नर जनरल डलहौजी और कैनिंग ने सूरत और तंजौर, कर्नाटक के नवाब की उपाधियां छीन ली, जिससे उस जनता में असंतोष की वृद्धि हुई। प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा उनकी दमनकारी प्रवृत्ति। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण ये था कि प्रशासन की जो सैनिक पावर थी वो तो मुख्य रूप से नवाबों के पास रही, लेकिन आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेजों के पास होती चली गई, जिससे के परिणाम स्वरूप जो अर्थ की कमी, राजाओं के पास अर्थव्यवस्था वो धन की कमी होने लगी, जिससे क्या हुआ कि वो प्रशासन में धीरे धीरे उनकी रुचि कम होती चली गई। परिणाम स्वरूप जो है प्रशासन शिथिल होता चला गया और उससे वो सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसों की कमी होने लगी। परिणाम स्वरूप सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा और अंततः जो है जनता में असंतोष उत्पन्न होने लगा। इसके संदर्भ में एडवर्ड ने कहा है, जनता पुलिस को कोढ़ की बीमारी समझती है। 1857 की क्रांति का दूसरा प्रमुख कारण आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में नंबर पहला है भू राजस्व की व्यवस्था का दुष्प्रभाव। अंग्रेजों ने भू राजस्व की दर बहुत अधिक बढ़ा दी। दर में वृद्धि के कारण जनता के पास जो है वो धन की कमी हो गई, जिससे खेती में इन्वेस्ट कम होने लगा। इन्वेस्ट कम होने के परिणाम स्वरूप जो है नए नए क्षेत्रों में कृषि का प्रसार रुक गया। परिणाम स्वरूप जो है वो जनता के पास अनाज की कमी होने लगी, इससे असंतोष में वृद्धि हुई। वसूली प्रक्रिया कठोर। राजा महाराजाओं ने वो कर की वसूली सामान्य तरीके से की थी, परंतु अंग्रेजों ने कठोरता से कर को वसूली की, जिससे जनता में असंतोष में वृद्धि हुई। जनता के असंतोष में वृद्धि हुई। विपत्ति व अकाल में भी रियायत नहीं। जैसा कि पता है कि राजा महाराजाओं ने विपत्ति के समय और अकाल के समय कर को माफ कर देते थे, परंतु अंग्रेजों ने विपत्ति और अकाल के समय में भी जो है कर को माफ नहीं किया। परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर गाँव और क्षेत्रों में लोगों की मौत हुई अकाल के कारणों से। परिणाम स्वरूप जनता में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और बढ़ता चला गया। दूसरा प्रमुख कारण है धन का निष्कासन का दुष्प्रभाव। अंग्रेज 1857 की क्रांति के पहले जो अंग्रेज आर्थिक नीति के तहत अंग्रेज भारतीय धन को जो है विदेश इंग्लैंड की तरफ उसका प्रवाह कर दिया था। परिणाम स्वरूप जो व्यापार के माध्यम से कच्चा माल और पूरा व्यापार जो है के माध्यम से धन को जो है विदेश में ही कृषि के वाणिज्यीकरण के जब जो है कर में वृद्धि की गई, तो किसान धीरे धीरे वाणिज्यिक फसलों की तरफ आकर्षित हुए। परिणाम स्वरूप अनाज की कमी होने लगी, जिसके कारण अनाज की कमी से भूख से मृत्यु की संख्या बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप लोगों में असंतोष में वृद्धि हुई। हस्तशिल्प का विनाश तथा औद्योगिकरण। हस्तशिल्प का विनाश किया गया जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप
जो है इंग्लैंड में बने माल भारत में पहुंचने लगे तो धीरे धीरे जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन विनाश हुआ और अंग्रेजों की ऐसी कुछ नीतियां बनाई गई, परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प उद्योगों का भी विनाश तेजी के साथ होता चला गया। पर और अंग्रेजों ने जो राजा महाराजाओं के जो खत्म रियासतों को समाप्त किया, परिणाम स्वरूप वो उनके एक बड़े खरीदार भी समाप्त हो गए, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोग या इस क्षेत्र में या हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। परिणाम स्वरूप ये लोग भी कृषि क्षेत्र में की तरफ आकृष्ट हुए, परिणाम स्वरूप वहाँ कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि हुई और असंतोष में वृद्धि हुई। रेलवे ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ के क्रांतिकारियों को जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान तेजी से होने लगा। अकाल में वृद्धि से भी लोगों में असंतोष में वृद्धि हुई। रेलवे इस्पात की रेल ने वो कार्य कर दिया जो बड़े बड़े विचारक न कर सके, ऐसा अन्य विचारकों का मानना है। तीसरा, चौथा पॉइंट है ग्रामीण ऋणग्रस्तता। आधे से अधिक भारतीयों का यह पता ही नहीं था कि जीवन के शुरू से अंत तक भरपेट भोजन कब मिलेगा। इससे ग्रामीण साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए थे, परिणाम स्वरूप उनमें जो है असंतोष में वृद्धि हुई। चौथा प्रमुख कारण है सांस्कृतिक सामाजिक कारण। इनमें प्रमुख रूप से है, इस कारण को अधिकांशतः अंग्रेज समर्थक इतिहासकारों ने उठाया था, जिसमें प्रमुख है शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति। अगर यही व्यवस्था चलती रही तो 30 साल में कोई बंगाली मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। नस्लवादिता की नीति, भारतीय को आस्था, निरंग और रूप के आधार पर विभाजित किया गया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, स्कूल में धर्म प्रचारक नियुक्त कर रखा गया था, जेल में भी एक उपदेशक को रखा गया था। लॉर्ड सेफ्टबरी ने कहा था, भारतीयों और हमारे बीच संघर्ष का एक कारण भारत को ईसाई न बना पाना है। पांचवा प्रमुख कारण है भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा को हीन बताना। मैकाइल ने कहा था, यूरोप की एक अलमारी के बराबर पूरा एशिया का साहित्य बराबर है। इसका मतलब अर्थात जो है ये भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के जो साहित्य है उसमें कोई भी ज्ञान की चीज नहीं था, ऐसा इनका मानना था मैकाले का। लैक्स लाकी कानून या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम उत्तराधिकार की परंपरा में परिवर्तन किया गया। इसके तहत यदि कोई हिंदू से ईसाई बनता है तो उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के तहत जो हिंदू और मुसलमान थे उनमें उन्हें गाय और सुअर से बने चर्बी का प्रयोग बंदूकों का प्रयोग करना था, जिससे इनमें धार्मिक रूप से ये जो है अपवित्र हो जाते, परिणाम स्वरूप लोगों में असंतोष बढ़ा और असंतोष में वृद्धि हुई। सैनिक कारणों में प्रमुख पहला है पदोन्नति में भेदभाव। अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों में पदोन्नति करते समय उस समय भेदभाव किया जाता था, परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों में असंतोष में वृद्धि हुई। वेतन में भेदभाव, भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक में वेतन में भी भेदभाव किया जाता था। जैसा माना जाता है कि जितना भारतीय सैनिक वेतन मिलता था उसका 3 गुना अधिक वेतन अंग्रेज सैनिक को मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारतीय सैनिकों में असंतोष में वृद्धि हुई। नियुक्ति में भेदभाव, भारतीय सैनिकों के साथ नियुक्ति में भी भेदभाव किया जाता था और उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति नहीं प्रदान की जाती थी। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इस भर्ती अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों के लिए भर्ती के अलग नियम थे और अंग्रेज सैनिकों के लिए भर्ती के नियम अलग अलग बनाए गए थे, परिणाम स्वरूप जो है सैनिकों में संतोष में वृद्धि हुई। भोजन में शिकायत, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिकों को अच्छा खाना दिया जाता था और भारतीय सैनिकों को जो कम योग्यता कम गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा था। सेना में भी नस्लवादिता की भावना, और अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक में भी नस्लवादिता की भावना का प्रसार हो गया था। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों को बहुत हीन भावना से देखते थे और इन्हें हमेशा जो है अपमानित करते रहते थे। पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भी सैनिकों में संतोष की भावना में वृद्धि हुई। चर्बी वाले कारतूस की घटना, चर्बी वाले कारतूस की घटना से भी सैनिकों में संतोष की वृद्धि हुई। इनफील्ड राइफल का प्रयोग, यदि सोई हुई औरत यहाँ क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी। 1857 की क्रांति के कारणों का टॉपिक आज यहाँ ही समाप्त हुआ। जो भी हमने आज पढ़ाया है उसे आप लोग एक कॉपी पर नोट करेंगे और नोट करने के बाद जब क्लास खुलेगी तो उसको जो है हमको दिखाएंगे। धन्यवाद।